हेलो एवरीवन, पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम रिएक्शन इंटरमीडिएट का फोर्थ लेक्चर कार्बीन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं तीन इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल को आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप जीओसी की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर एंड स्क्रीन पे आपको इसकी लिंक अवेलेबल हो जाएगा। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं कार्बीन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है, जिसका जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आईआईटी, नीट, केवीपीआई, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसको बार बार पूछा जाता है। इवन बीएससी के जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी ये लेक्चर अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं कार्बीन की। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है? जो रिएक्शन के बीच में प्रोड्यूस होते हैं। तो कार्बीन क्या स्टूडेंट, जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, इसी वीडियो में हम बात करेंगे कैसे कार्बीन, क्या नोमेनक्लेचर होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर की भी बात करेंगे, सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन क्या होते हैं, उनके डिफरेंस की भी बात करेंगे और प्रेपरेशन जो कार्बीन की है उसकी भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले ही स्ट्रक्चर को स्टूडेंट, कि अगर हम कार्बीन की बात करें तो कार्बीन क्या है, तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, कार्बन स्पीसीज हैविंग टू बॉन्ड पेयर एंड वन लोन पेयर। तो न्यूट्रल ऑर्गेनिक स्पीसीज, ये न्यूट्रल ऑर्गेनिक स्पीसीज है जो कि जिसके पास क्या स्टूडेंट, हम क्या कहें, दो तो बॉन्ड पेयर है और एक क्या है, लोन पेयर है। अब बात होती है इसका नोमेनक्लेचर कैसे करें स्टूडेंट, तो इसका जो नाम है, सबसे पहले हम बात करें और सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है मिथाइलीन कार्बीन। सिंपल बिल्कुल। अब जब इसके एच को हटा कर फिनाइल लगा देते हैं तो इसका नाम हो जाता है फिनाइल कार्बीन। अब इसी तरह स्टूडेंट, अगर हम दो अल्काइल ग्रुप लगा देते हैं तो इसी का नाम क्या हो जाता है, डाई अल्काइल कार्बीन। और अगर दो क्लोरीन आ गए तो डाई क्लोरो कार्बीन। तो पहली बात तो हमें नोमेनक्लेचर आना चाहिए कि कैसे हम नोमेनक्लेचर करेंगे। तो मैंने आपको नोमेनक्लेचर बताया, अलग अलग टाइप के इंटरमीडिएट आपको मिलेंगे कार्बीन के अंदर। जैसे फिनाइल ग्रुप लग गया तो फिनाइल कार्बीन, दो क्लोरो ग्रुप लग गए तो डाई क्लोरो कार्बीन, ब्रोमीन लग गए तो ब्रोमो का डाई ब्रोमो कार्बीन। तो इस तरह से हमें नोमेनक्लेचर पहले सीखना चाहिए। तो स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे कि कार्बीन कितने टाइप का होता है। तो स्टूडेंट, कार्बीन हमारा दो टाइप का होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जो दो इलेक्ट्रॉन हैं लोन पेयर में, जिसको मैं यहां पे दिखा रहा हूं, इनकी स्पिनिंग क्या है, क्या ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं या एंटी पैरेलल है, तो उसके बेस पे हम कार्बीन को दो टाइप में डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा जाता है कॉम्पिटिशन में, वो यहीं से आता है स्टूडेंट, तो हम इसको काफी डिटेल में जाएंगे। तो सिंगलेट कार्बीन का अगर मैं सिंपली स्ट्रक्चर बनाऊं, जैसे मान लो मेरे पास मिथाइलीन कार्बीन है, तो दो बातें हो सकती हैं, या तो दोनों इलेक्ट्रॉन एंटी पैरेलल हो, यानी एक क्लॉकवाइज जा रहा है तो एक एंटी क्लॉकवाइज, या फिर दोनों इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। तो यहीं से आपका पहला डिफरेंस यही है कि दोनों इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑर्बिटल में पेयर्ड हैं तो उसको सिंगलेट कार्बीन बोलते हैं, और दो इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में अनपेयर्ड हैं और एक ही डायरेक्शन में हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट कार्बीन बोलते हैं। अब इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और खोल के बनाऊं तो स्टूडेंट आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। अब यहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज होता है हाइब्रिडाइजेशन। अब सिंगलेट कार्बीन में अलग हाइब्रिडाइजेशन है, ट्रिपलेट में अलग है। सिंगलेट की बात करें, सिंगलेट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे। और ट्रिपलेट कार्बीन में sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसीलिए इनका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा। अब जैसे मैं यहां बना रहा हूं तो आप यहां देख सकते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने एक ही ऑर्बिटल में डाल दिए। अब इसके पास एक एम्प्टी p ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, क्योंकि कार्बन क्या होता है आप सबको पता है, कार्बन 6 1s2 2s2 2p2। अब मैं अगर इसकी ग्राउंड स्टेट की बात करूं स्टूडेंट, तो ग्राउंड स्टेट में s के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है और p के अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन है। अब मैं कह रहा हूं sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो दो ये इलेक्ट्रॉन तो यहां पे आ गए और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का ये हाइड्रोजन के साथ मिलकर सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल होता है जो मैंने यहां पे मेंशन किया, और इस एम्प्टी पी ऑर्बिटल की वजह से जो सिंगलेट कार्बन है इट बिहेव एज ए कैटायन, कार्बोकैटायन की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ गई,
इसका एमपीटीपी ऑर्बिटल ये आपको याद रखना है। मगर जब मैं ट्रिपलेट कार्बिन की बात करता हूं तो इसमें एसपी हाइब्रिडाइजेशन आ गया। वो कैसे होगी स्टूडेंट, देखिए कि इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां जंप हो जाता है। यहां पे एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में कार्बन का एस का इलेक्ट्रॉन जंप कर गया पी में। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है, केवल एसपी, एसपी हाइब्रिडाइजेशन है। अब दो इलेक्ट्रॉन जो अलग अलग ऑर्बिटल में है उनको हम देखिए कैसे दिखा रहे हैं। एक मान लो एक्स एक्सिस के अलोंग है तो दूसरा क्या होगा वाई एक्सिस के अलोंग, अलग अलग जेड एक्सिस को इंटरमीडिएट एक्सिस मान लीजिए। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें है और एक इलेक्ट्रॉन इसमें पड़ा हुआ है। अब दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में है, ध्यान रखिए यहाँ पे एक ही ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट अपने आप में है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग है, अनपेयर्ड है, इसलिए इसका नेचर क्या होगा स्टूडेंट, पैरामैग्नेटिक। यहां पे दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है, पेयर्ड है, ये क्या हो गया डायमैग्नेटिक। तो देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, ये पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, ये एसपी है, ये एसपी टू है, इसमें पेयर्ड है, इसमें एंटी नोट पेयर्ड है और अलग अलग ऑर्बिटल में है। और इंपॉर्टेंट ध्यान से देखिए इसकी शेप क्या हो जाएगी, बेंट। इसकी बात करें लीनियर। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे जो उठता है कि सर सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बिन में से स्टेबल कौन है, तो याद रखिए स्टूडेंट सिंगलेट और ट्रिपलेट में स्टेबल कौन है, ट्रिपलेट स्टेट क्या है, स्टेबल है। अब वो आप कहेंगे सर वाई, क्योंकि यहां पे अगर हम दो बॉन्ड पेयर देखें तो ये पास पास है, जबकि यहां पे जो दो बॉन्ड पेयर है ये दूर दूर है। तो आप कहेंगे ट्रिपलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल बिकॉज देयर इज लेस बॉन्ड पेयर रिपल्शन। बट फिर वही कॉन्सेप्ट चेंज हो जाते हैं, अगर इनके साथ हेलो ग्रुप लग जाता है तो इस केस में सिंगलेट कार्बिन ज्यादा स्टेबल हो जाती है। क्यों हो जाती है अब उसको समझ लेते हैं। पहले स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि मैं इसको रब करने वाला हूं। अब हम बात करते हैं कि सर हेलो ग्रुप लग जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, क्यों इस केस में आप सिंगलेट कार्बिन की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट जैसे सी एफ टू की बात करते हैं, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं स्टूडेंट तो कैसे बनेगा। अब दो इलेक्ट्रॉन है हम इनको ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। अब इस केस में क्या हो जाता है स्टूडेंट, इसके पास एक पी ऑर्बिटल भी पड़ा हुआ है, जो अभी हमने बात की कि इसके पास एमपीटी पी ऑर्बिटल है, और फ्लोरीन के पास आप सबको पता है फील्ड पी ऑर्बिटल होता है, फील्ड पी ऑर्बिटल। अब जिसकी वजह से अब हमें यह पता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्यों है, इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है नहीं, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, सिक्स। तो इट हैज ए लेविस बेस की तरह काम करता है, इट आल्सो एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लवर कहलाता है, जबकि देखा है इसके पर लोन पेयर है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि यार न्यूक्लियोफाइल तो नहीं है, बट इट बिहेव एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, दो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, मगर उसकी डेफिशिएंसी फ्लोरीन यहां से कंप्लीट कर देता है। इसी टाइप की बॉन्डिंग आपने डाइबोरेन के आपने इसी टाइप की बॉन्डिंग BF3 के अंदर बात कर रखी है, और वहां पे हम लेविस एसिड लेविस करेक्टर की एसिडिक करेक्टर की बात करते हैं। तो यहाँ पे फ्लोरीन जो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रोवाइड करता है, इसी को हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, और बैक बॉन्डिंग की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे इनमें सबसे स्टेबल कौन है, CF2 फिर CCl2 फिर CbR2 फिर Cl2। अब आप कहें सर वाई, ठीक है फ्रेंड, कार्बन का जो एम्प्टी ऑर्बिटल है वो भी क्या है, 2b है, फ्लोरीन का भी जो एमपीटी है वो क्या है, 2p। अब आप कहें क्लोरीन भी बैक बॉन्डिंग कर सकता है, ब्रोमीन भी कर सकता है, यस कर सकता है, मगर ज्यादा बैक बॉन्डिंग किसमें होगी, फ्लोरीन के साथ। क्यों होगी, क्योंकि ये दोनों सेम लेवल पे हैं। अगर यहां पे क्लोरीन आ गया तो 3p और कार्बन का 2p, अगर ब्रोमीन आ गया तो 4p कार्बन का 2p। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर सेम एनर्जी लेवल के हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इजिली हो रहा है, जैसे जैसे एनर्जी क्या बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा हैलोजन का, बैक बॉन्डिंग डिक्रीज हो जाएगी और स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास बसता है स्टूडेंट, वो बनता है बसता है कि प्रेपरेशन, कि कार्बिन की प्रेपरेशन कैसे होती है, किन रिएक्शन में कार्बिन इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहला मेथड अगर हम बात करें स्टूडेंट क्या है, बाय डाई एजोमीथेन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो डाई एजोमीथेन ले लेते हैं CH2N2, अगर इसकी डीकम्पोजिशन करते हैं स्टूडेंट, हीट करते हैं तो क्या बन जाता है CH2, डीकम्पोजिशन करते हैं तो क्या बन जाता है CH2, यानी मिथाइलीन कार्बिन। अब अगर मैं इसके H को हटाकर स्टूडेंट R लगा दूं, क्योंकि हम डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं,
तो अल्काइल डेरिवेटिव हमने ले लिया इसका, हीट किया, हीट करने से क्या होगा, नाइट्रोजन जब रिलीज हो जाएगा तो हमें अल्काइल कार्बीन मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह फिनाइल कार्बीन चाहते हैं, आर की जगह फिनाइल लगा दें, CHN2, हीट किया तो हमें क्या मिल गया, फिनाइल कार्बीन। तो ये हमारा पहला मेथड हो गया बाय द डाइएजोमीथेन एंड इट्स डेरिवेटिव। अगला है कीटीन। कीटीन क्या होता है स्टूडेंट, आप सबको पता ही है, CH2 डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O। अब इसको जब आप हीट करते हैं, लाइट प्रेजेंस में करते हैं, तो क्या होता है, यहां से CO ग्रुप एलिमिनेट हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और हमें क्या मिल जाता है, कार्बीन प्लस CO। अब इसी तरह सेम इसकी डेरिवेटिव की बात करें तो यहां पे मैंने R ग्रुप लगा दिया, सेम स्टूडेंट यहां पे क्या हो जाएगा, R, और हमें क्या मिल जाएगा, अल्काइल कार्बन। तो इसी तरह आप जैसे आपने मान लिया है वैसे आप यहां पे भी याद कर सकते हैं। इसी में अगर मैं एक और अच्छा एग्जाम्पल थोड़ा सा लेवल बढ़ा दें हम, ये लीजिए, ठीक है, तो अगर हम इसको हीट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, साइक्लिक कार्बन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, उसको हम बाहर निकाल देते हैं CO। तो इस टाइप से आप कीटीन और उसके डेरिवेटिव बना सकते हैं। अगला है हेलोफोम, जो कि अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, और इसको स्टूडेंट आप अल्फा एलिमिनेशन में भी इस्तेमाल करते हैं अगर आपको याद हो तो। जैसे आपने क्लोरोफॉर्म ले लिया या ब्रोमोफॉर्म ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं आप, और इसकी जब आप बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करते हैं OH-, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए ये जिस कार्बन से दोनों ग्रुप एलिमिनेट होते हैं उसी को हम अल्फा एलिमिनेशन करते हैं। तो OH- क्या करता है, यहां से एच पॉजिटिव आयन को गेन करता है, इसके इलेक्ट्रॉन गए कार्बन पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई और ये CL- भैया जी बाहर, और हमें क्या मिल जाता है, डाइक्लोरो कार्बीन प्लस H2O प्लस CL-। अगर मैंने KOH लिया तो KCl बाहर हो जाएगा, ये अल्फा एलिमिनेशन एक्शन में करते हैं, तो डाइक्लोरो कार्बीन हमें क्या हो गया, मिल गया। इसी का इस्तेमाल स्टूडेंट हम कहां पे करते हैं, अगर आपको याद हो तो राइमर टाइमर रिएक्शन में भी, अगर आप इसका मैकेनिज्म लिखते हैं तो राइमर टाइमर रिएक्शन में हम क्लोरोफॉर्म इस्तेमाल करते हैं, वहां पे कार्बीन एज ए इंटरमीडिएट जनरेट होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इंटरमीडिएट जनरेट इन राइमर टाइमर रिएक्शन, तो आपको याद रखना है कार्बीन। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट ये छोटी सी वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, कार्बीन से रिलेटेड आपके मन में अगर कोई और भी डाउट है, आपको लगता है मुझे क्लियरिटी नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें और इससे अच्छी तरह आप अपना क्लियर करें, और पिछले जो इंटरमीडिएट है उनको ही पढ़ें। नेक्स्ट वीडियो में मैं नाइट्रीन और बेंजाइन दोनों को इकट्ठे क्या करूंगा स्टूडेंट, कवरअप करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।